देश में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। भारत में मरीजों की संख्या 9000 के पार पहुंच गई है, वहीं मौत का आंकड़ा 300 के पार पहुंच गया है। अब इस महामारी ने चिकित्सकों को भी अपनी जद में लेना शुरू कर दिया है। कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र है। कोरोना वायरस के देश में अब तक 9352 मामले सामने आए हैं, वहीं अब तक 324 लोगों की मौत हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते 24 घंटे में 35 लोगों ने जान गंवाई है। उत्तर प्रदेश सरकार के मुताबिक सूबे के 15 जिलों में 146 हॉटस्पॉट पहचाने गए हैं। इनमें लगभग 9,78,055 लोग रहते हैं। यहाँ पर बैरिकेडिंग करके सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। तमिलनाडु में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। राज्य सरकार ने लॉकडाउन 30 अप्रैल तक बढ़ाने का फैसला लिया है। मुंबई में भी भाड़िया अस्पताल में कोरोना का कहर जारी है। रविवार को अस्पताल के 11 और स्टाफ कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। अब तक हॉस्पिटल स्टाफ के 25 लोगों को संक्रमित पाया जा चुका है। उत्तर प्रदेश में 40 नए मामले सामने आने के साथ ही मरीजों की संख्या बढ़कर 140 हो गई है। 40 मामलों में से 26 अकेले आगरा के सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक कल 740 सैंपल का टेस्ट किया गया था, जिनमें से 40 पॉजिटिव आए हैं। राजस्थान में 11 नए मामले सामने आने के साथ मरीजों की संख्या बढ़कर 815 हो गई है। इन मामलों में 10 केस तो अकेले भरतपुर के हैं। राजस्थान का जयपुर जिला कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित है। यहाँ 341 लोग कोरोना संक्रमण का शिकार हो चुके हैं। कोरोना अब दिल्ली में कोरोना वॉरियर्स को भी अपना शिकार बना रहा है। एम्स में तैनात ASI भी कोरोना पॉजिटिव मिला। वहीं सफदरगंज पुलिस स्टेशन में तैनात था। फिलहाल उसके परिवार और उसके संपर्क में आए 22 पुलिसकर्मियों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। देश में कोरोना से सबसे ज़्यादा प्रभावित महाराष्ट्र है। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 221 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही 22 लोगों की मौत भी हो गई है। इसी के साथ राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 2000 के करीब पहुंच गई है। अकेले मुंबई में संक्रमितों का आंकड़ा 1399 तक पहुँच चुका है। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.